साहिब में पुलिस ने एक युवक को फर्जी कर्फ्यू पास के साथ पकड़ा है। आरोपी की पहचान जसपाल निवासी गुरुद्वारा बिल्डिंग वार्ड 5 के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। वहां से कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पौंटा के डीएसपी सोमदत्त ने मामले की पुष्टि की है। शाम को पौंटा पुलिस टीम जो थी वो गश्त पे थी और उनको एक मोटरसाइकिल मिला और उसको रोका गया तो उसके पास एक परमिशन थी एसएनसी सर्विस को लेकर के। तो जो बाइक नंबर था और जो पास पे लिखा हुआ बाइक का नंबर था वो दोनों डिफरेंट थे और जो स्टैंप थी उसमें भी थोड़ा सा शक हो रहा था सिग्नेचर्स पे भी। तो इस पर पुलिस ने जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हमारे तहसीलदार साहब हैं उनको फोन करके पूछा, एसडीएम साहब को भी पूछा, उसके बाद नैब श्रीवास्तवी वेरीफाई किया कि ये स्टैंप आपकी है कि नहीं है, सिग्नेचर आपके हैं कि नहीं है। जो उन्होंने बताया कि ये सिग्नेचर उनके नहीं है और ना ही ये स्टैंप उनके ऑफिस से लगाई गई है। तो इस आधार पे जो शक के आधार पे जो था रोका गया था और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद इस पे एफआईआर रजिस्टर की गई है। जो इसमें एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया है और इसमें अगला अन्वेषण जारी है। और इसकी मोहर किसने बनाई थी, किसने नहीं बनाई थी, कहाँ से ये मोहर लगी, सिग्नेचर किसने फ्रॉड किए, ये इस पे जांच चल रही है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए पौंटा साहिब से धीरज चोपड़ा।